नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन में। दोस्तों, कल मैंने जीके साइंस के दानापुर जेडारो के पेपर का सॉल्यूशन करवाया था। आज मैं करवाने वाला हूँ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो हमें प्रोवाइड की है प्रवीण जी यादव ने। तो थैंक यू प्रवीण जी यादव जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन भेजे हैं। जीके साइंस के तो क्वेश्चन हर कोई भेज सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के आंकड़े भेजना बहुत ही कठिन काम होता है। और उन्होंने थोड़ी सी आंकड़े में मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर लिया एकदम। तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन के आंकड़े मतलब थोड़े अलग हो, लेकिन क्वेश्चन जो आई है उस तरह की है। तो पूरे क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, 15 क्वेश्चन थे, उनमें से लगभग 13 या 14 क्वेश्चन हमें मिले, तो उतने क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलो वीडियो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या है? 8 का घनमूल बताओ। जी हाँ दोस्तों, 8 का घनमूल, आपको पता ही, 8 का घनमूल की बात करें तो कितना होगा? 2 होगा। ध्यान रखना, 8 का घनमूल पूछा है तब तो आपको कितना करना है? 2। और 8 का कहे घन कितना होता है? तो 8 का घन होता है 512। घन की बात करें तब तो आपको 512 करना है, और घनमूल की बात करें तब आपको कितना करना है? 2 करना है। ये कई कुछ बच्चों ने कहा है कि 512 ऐसे था मतलब, तो हो सकता है आपके घन पूछ रहा हो या 512 का घनमूल पूछ रहा हो तब 8 होगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान दे लेना है, यदि आपको 8 का घन कहे तब तो 512, और घनमूल कहे तब होगा 2, और 512 का घनमूल कहे तब होगा 8। तो ये जो भी क्वेश्चन इस तरह से जो भी आपके आया था वो आप देख लेना कि आप सही करके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो सीधी सी बात है, आपको पता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हम बदले मीटर पर सेकंड में तो किससे गुणा करते हैं? आपको पता ही है, 40 गुणा 5/18 से गुणा करेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आपको पता है चाल आपकी ये होगी, और इसको किससे गुणा कर देंगे? समय। समय कितना आपका दे रखा है? आपके कितना दे रहे हैं? 18 सेकंड। तो 18 से गुणा करेंगे। हो सकता है आंकड़ा थोड़ा भिन्न हो, लेकिन क्वेश्चन इस तरह का था। तो 18 से 18 कट गया, कितना? 40 पंजो कितना हो गया? 200। तो आपकी दूरी बात करें तो 200 मीटर होगी इस क्वेश्चन के लिए। आंकड़े यदि आपके अलग थे तो वो उससे निकाल लेना जो आपके उत्तर आता है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान सा है, क्या बुझा था? 135 135 270 350 का क्या बताना है आपको? एस ये बताना। तो अलग अलग गुणनखंड करके अभाज्य विधि से आप करोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपकी केवल मात्र और मात्र 5 कॉमन आएगा। इसका मतलब एस अब आपका कितना होगा? 5 होगा। एस इसका कितना आने वाला है? 5 आने वाला। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष में कितने होगी? 1 वर्ष में हो गई वो 2200 रुपये। 1 वर्ष में कितनी हुई? 2200। और 4 वर्ष में हो गई 2800। इसका मतलब ये तो 1 वर्ष में हुई है और ये 4 वर्ष में, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हुआ? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिखाई दे रहा है कितना हुआ? देखो 2200 और 2800 का अंतर कितने का? 600। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग होता है। तो यहाँ साधारण ब्याज की बात करिए तो आपको पता है 3 वर्ष का 600 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 200 रुपये। 1 वर्ष का कितना होगा? 200 रुपये। यदि 1 वर्ष में वह 2200 हो गई, इसका मतलब पहले वह कितनी थी? 200 कम कर दो, यानी वह धनराशि क्या थी? 2000 रुपये थी। कितनी थी? 2000 रुपये थी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 2000 रुपये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, क्या है? एक आयत की लंबाई 550 मीटर और चौड़ाई 495 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल का आपको पता है सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, या लंबाई कितनी? 550 गुणा 495। यदि आप इनको गुणा करोगे तो कितना आने वाला है? 272 250। ये आपका उत्तर आएगा। ये उत्तर मैंने गुणा करके रखा है, तो आप गुणा करके देख लेना। और मीटर है क्या? मीटर का स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल किस में होता है? मीटर स्क्वायर में होता है। तो ये आपका उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक दर्जन केले की कीमत 48 रुपये है। एक दर्जन केले की मतलब एक दर्जन केले है, उनकी कीमत कितनी है? तो एक दर्जन में 12 केले आते हैं, इसका मतलब 12 केले की कीमत कितनी है? 12 केले की कीमत है आपकी 48 रुपये। इसका मतलब एक की कितनी हुई? एक की केले की ज्ञात करें तो आपको पता, भाग देंगे कितना आएगा? 48/12 यानी कितना आएगा? 4। और आपको कितने की ज्ञात करनी है? 5 की। तो 5 केले की कितनी होगी? 5 गुणा 4 यानी कितने रुपए हो गए? 20 रुपये। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 20 रुपये होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या है? यदि किसी वस्तु को
1300 रुपये में बेचने पर 35% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 35% यदि हमने माना क्रय मूल्य कितना माना 100 माना, क्रय मूल्य हमने कितना माना 100 माना, यदि 35% हानि की बात करें यानी 1300 किसके बराबर है, 1300 आपकी है, 35 कम कर दो यानी 65 के बराबर, तो आपको क्या ज्ञात करना है, यानी आपको ज्ञात करना है 20 का लाभ यानी 120 के बराबर ज्ञात करना। अब काट के हल कर लेते हैं तो ये कितनी बार कटा, 2 बार, 12 दुणी कितना हुआ 24 और 2 0 2400 रुपये होगा। तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 2400 रुपये में। यदि यहाँ क्रय मूल्य की बात करता तो गुणा में 100 करते, जबकि आपको कहा 20 का लाभ करना यानी 120 के बराबर ज्ञात करना, कितना आएगा 2400 रुपये आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, यदि दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 78 है, एचसीएम कितना है 13 है, पहली संख्या 26 है तो दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या यानी आपको दो संख्याओं में से एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या या पहली संख्या ज्ञात करने कहे, तो एलसीएम गुणा एचसीएम बट्टे जो संख्या दे रखी है वो कर दो पहली संख्या, ठीक है। चलो कर देते हैं, यहाँ बात करें तो 78 गुणा 13 बट्टे क्या आएगा, बट्टे में जो 26 है वो, अब देखो 26 का फाड़ा बोलो कितनी बार कटेगा 3 बार, और 13 कितना होता है 39, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 39 होगी। इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन के आंकड़े चेंज हो सकते हैं आपके, तो आप निकाल कर देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन क्या आया था, एक समकोण त्रिभुज का आधार 16 मीटर व ऊंचाई 5 मीटर, क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार गुणा ऊंचाई लगा के कर दो यानी 1/2 गुणा कितना 16 गुणा 5 यानी 2 से काट दो कितनी बार 8 बार, 8 × 5 = 40, तो आपका कितना होगा 40 मीटर। देख लेना आप कितनी बार कटेगा, 2 बार 8 × 5 कितना होगा 40, यह आपका मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये देख लेना, 8 × 5 = 40 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है, यदि एक टंकी की ऊंचाई कितनी दे दी, एच दे दिए 7 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो आपको पता है टंकी की जो बेलनाकार है तो उसकी बात करें तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बट्टे में उसका भाग देना पड़ेगा गोले की, गोले का आयतन, मतलब गोले का आयतन कितना है 4/3 πr³, 4/3 πr³, ये भाग दे के आप यदि हल करोगे, यहाँ मान रख के पाई से पाई कट जाएगा और आर अलग अलग है, ठीक है, आर एक नहीं, यहाँ आर वन दे देना और यहाँ आर टू दे देना क्योंकि आर अलग अलग है, और आप हल करके उत्तर निकालोगे तो आपके उत्तर आने वाला है यानी 21/2 लगभग, यानी हम बात करें तो 10.5 गोले, हालांकि हो सकता है 10.5 गोले होगा इसके लिए, तो आपके आंकड़े अलग थे तो आप निकाल के देख लेना इस सूत्र के माध्यम से आप डायरेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नीचे आपको दिखाई दे रखा है, अगला बहुत इंटरेस्ट डार क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी 5 संख्या है, वो क्या है सम है, यदि उनका औसत, अब बात कर लेते हैं सम संख्या, 5 सम संख्या, इसका मतलब बीच वाली सम संख्या आपको दे दी, औसत की बात करें तो 5 संख्या हो तो आपको पता है बीच वाली दे दी, 2 साइड में लिख लो 48 और इधर क्या होगा 50 होगा, और इधर क्या होगा 44 और 42, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए 5 और 7 हो, विषम संख्या हो, विषम के रूप में हो, यानी संख्या यहाँ देखो कितनी है 5 है, हो भले सम विषम हो तो आपको दिखाई दे ही देगा, लेकिन आपको बीच वाली संख्या लिख ली कितनी है 46 है, बीच वाली औसत का मतलब बीच वाली संख्या आपको दे दी 46 है, तो बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी तो ये 50 होगी, छोटी की बात करें तो 42 होगी, तो आपको कहा है बड़ी संख्या तो इसका मतलब क्या होगा उत्तर आपका 50 होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन संख्या 666 से विभाजित है, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर आधारित था, आप ऑप्शन में भाग दे देख करके देखना था, ये करवाया मैंने आपको दानापुर जेडारो का पूरा मैथमेटिक्स का पेपर, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन मेरे कम रहे हैं क्योंकि वो स्टूडेंट ने जितने भेजे हैं वो मैंने करवा दिए है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हो तो आर्मी के पीछे के पेपर आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।